हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान का पिटारा में। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं भारत में औद्योगिकीकरण या भारत में उद्योगों के विकास के चरण के बारे में। दोस्तों, यह टॉपिक जो है CGCMO के लिए भी है और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उद्योग जो है, हम सभी जानते हैं कि उद्योग जो है किसी भी राष्ट्र के आर्थिक ऋण की हड्डी होती है। आर्थिक विकास के लिए उसकी जो है मुख्य आधार होता है वहाँ के उद्योग, वहाँ के व्यापार, यह सब जो है उनकी मदद करते हैं आर्थिक रूप से वृद्धि करने में। तो दोस्तों, हमारे देश में भी उद्योगों का विकास जो है ब्रिटिश काल के समय में ही शुरू हो गया था। तो इसमें हम देख लेते हैं कि किस सन में कौन सा जो है उद्योग इस्टेब्लिश हुआ था या बना था। तो सबसे पहले देखते हैं 1812 में दोस्तों पहला शुगर मिल बना था, शक्कर कारखाना बना था श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में। 1812 श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल। अगला है 1818 में सूती मिल बना था फोर्थ बोरोस्टर कंपनी नाम से, कलकत्ता में बना था 1818 में। उसके बाद पोर्टानोवा तमिल में बना लौह इस्पात कारखाना 1845 में, जो ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। उसके अलावा 1854 में काबस जी डाबर ने बनाई थी यह कंपनी वीविंग एंड स्पिनिंग कपड़ा मिल, यह काबस जी डाबर के नाम से फेमस है 1854 में। आगे बढ़ते हैं 1855 में जो है जूट मिल बना रिसरा पश्चिम बंगाल में 1855 में जूट मिल बना। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, यह पूछा भी जा चुका है कई बार, रिसरा पश्चिम बंगाल का जूट मिल कब बना। उसके अलावा 1870 में जो है इस्पात कारखाना बना कुल्टी में, पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1904 में सीमेंट कारखाना बना चेन्नई में। 1906 में उर्वरक कारखाना बना रानीपेट तमिलनाडु में 1906। उसके अलावा जमशेदपुर टाटा इस्पात बना 1907 में। नेक्स्ट है 1919 में बर्नपुर इसको पश्चिम बंगाल में। उसके अलावा 1923 में भद्रावती स्टील प्लांट कर्नाटक में बना। तो ये थे हमारे स्वतंत्रता के पूर्व यानी कि ब्रिटिश शासन काल में। उसके अलावा हम देख लेते हैं स्वतंत्रता के पश्चात जितने भी हमारे जो बने थे, तो इसमें एक पिछला वाला भी आ गया, 1901 में चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप बना था पश्चिम बंगाल में 1921 में। उसके बाद है 1951 से FCI की स्थापना हुई थी 1951 में, जिसे फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। उसके अलावा 1954 में HMT यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना हुई थी। 1954 में ONGC ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। 1956 में BSP यानी कि भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में भिलाई में स्थित है, वह 1959 में इस्टेब्लिश हुई थी। यह रूस के सहयोग से इस्टेब्लिश हुई थी। और एक क्वेश्चन पूछता है कौन से पंचवर्षीय योजना में इस्टेब्लिश हुई, तो सेकंड पंचवर्षीय योजना में यह इस्टेब्लिश हुई थी। इसके अलावा दुर्गापुर जो है वहाँ भी इस्टेब्लिश किया गया था स्टील प्लांट सेकंड में ही। उसके अलावा देखते हैं 1962 में नालको नेशनल एलुमिनियम कॉरपोरेशन, यह जो रेनकूट में 1962 में किया गया। उसके अलावा है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। उसके अलावा बात करते हैं जो है बाल्को की, तो बाल्को 1965 में इस्टेब्लिश हुई थी। बाल्को कहाँ है, कोरबा में, कोरबा CG में जो है बाल्को स्थित है। इसका पूरा नाम था भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। उसके बाद है 1974 में सेल है, सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके अलावा 1975 में है NTPC NHPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। उसके अलावा 1986 में भारत में जो है कंप्यूटर का विकास शुरू हुआ था 1986 में, और इंटरनेट विकास हुआ था 1955 में। तो दोस्तों, ये हो गए कुछ उद्योग जो है आधारभूत उद्योग जिनका विकास जो है विभिन्न ईयर में हुए था, और कौन कौन से जो है उद्योग कौन कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुए हैं इसकी जानकारी क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं भारत में बनने वाली कुछ औद्योगिक नीति की। भारत में 3 औद्योगिक नीति बनी है। सबसे पहला औद्योगिक नीति बना था 1948 में, यह 6 अप्रैल 1948 को बना था। 6 अप्रैल 1948 उस समय उद्योग वाणिज्य मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
इसमें जो है प्रथम औद्योगिक नीति में जो है सार्वजनिक और निजी दोनों में ही जो है ध्यान दिया गया था, सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियों पर बल दिया गया था, यानी उनको डेवलप करने के बात पर ध्यान दिया था। इसमें चार क्षेत्रों को रखा गया था, कुल कितने क्षेत्र थे पहली औद्योगिक नीति में, चार क्षेत्र थे। उसके अलावा औद्योगिक नीति आई 1956 में, जिसमें तीन क्षेत्रों पर ज़्यादा बल दिया गया या तीन श्रेणियों पर बल दिया गया। फिर 1969 में आया था MRTP एक्ट। MRTP एक्ट को हिंदी में बोला जाता है एकाधिकार प्रतिबंधक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम। इसका मुख्य बातें हैं, MRTP एक्ट की प्रमुख बातें हैं देख लेते हैं। कंपनियों के व्यापारिक वाणिज्यिक प्रक्रियाओं का नियमन करना, यानी कि कंपनी जो है किस प्रकार की व्यापार करेगी, कितना उन पे सामान पे टैक्स लगेगा, या वो कहाँ कहाँ व्यापार कर सकते हैं, कहाँ से आयात करेंगे, कितना निर्यात करेंगे, कितना आयात करेंगे, यह सब का नियमन करना। उसके अलावा उनके आर्थिक सुधार और आर्थिक सुधार के लिए एकाधिकार और केंद्रीकरण को रोकना, मतलब किसी भी एक को ही समस्त अधिकार नहीं दिया जाएगा बल्कि उनको वितरण किया जाएगा विभिन्न कंपनियों के बीच। इसलिए MRTP एक्ट लाई गई थी। MRTP की सीमा तय की गई थी 25 करोड़ या फिर उससे अधिक होगी इस प्रकार के उद्योग हैं अगर, तो वह उनको भारत सरकार की अनुमति लेना आवश्यक हो जाएगा MRTP एक्ट के तहत। अगर 25 करोड़ से ऊपरी है तब कुछ भी कार्य करने के लिए उसे भारत सरकार से लेना पड़ेगा अनुमति। उसके अलावा 1980 में यह जो है जो राशि थी वह 50 करोड़ कर दी गई, 25 से 50 कर दी गई, जबकि 1985 में 5 साल बाद उसको 100 करोड़ कर दिया गया और दुगुना कर दिया गया। उसके अलावा जब 1991 की जो औद्योगिक नीति आई थी उसमें इसे पूरी तरह से हटा दिया गया था, यानी उसको सीमा से जो है बाहर कर दिया गया था। औद्योगिक नीति 1973 की बात करते हैं तो इसमें कोर इंडस्ट्रीज़ पर विचार किया गया था। दोस्तों कोर इंडस्ट्रीज़ होता क्या है, तो कोर इंडस्ट्रीज़ को आधारभूत जो है उद्योग के नाम से जाना जाता है, जो अन्य उद्योगों के विकास में सहायक होता है। ये प्रमुख उद्योग होते हैं ऐसा मान सकते हैं, जो दूसरे उद्योगों को सहायता करते हैं बढ़ने में। कोर इंडस्ट्रीज यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ देख लेते हैं। पेट्रोलियम, लोहा, इस्पात, सीमेंट, ये सब क्या हैं, मूलभूत उद्योग, यानी कि वही कोर इंडस्ट्रीज जिनको बोला जाता है। भारत में वर्तमान में टोटल 8 कोर इंडस्ट्रीज आते हैं, आगे देख लेंगे उनका नाम क्या क्या है। इसी के तहत विदेशी मुद्रा अधिनियम भी लाया गया, इसी में विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा लाया। यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि फेरा कब लागू हुआ, फेरा किसके अंतर्गत लाया गया। अगला देखते हैं दोस्तों, 1979 में जो है लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और ग्रामीण विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। उसके अलावा 1980 की अगर बात करते हैं तो तकनीकी हस्तांतरण मार्ग द्वारा विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई, यानी कि विदेशी निवेश पर ज़्यादा ध्यान दिया गया 1980 के दशक में। आगे है 1986 में विदेशी निवेश को सरल बनाया गया, यानी कि बहुत ही आसानी से विदेशी जो है वो निवेश कर सकते हैं भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में या औद्योगिक विकास के लिए। उसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में भरपूर निवेश के लिए रास्ता खोला गया। लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को बहुत ही उदार कर दी गई, यानी कि लाइसेंस लेना किसी भी फैक्ट्री के लिए या किसी भी कारखाना को स्थापित करने के लिए लाइसेंस बहुत ही जरूरी होता है, और इसके लिए कागजी कार्यवाहियाँ जो है बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती थी। इस वजह से लोग उदासीन रहते थे उद्योग लगाने के प्रति, इसलिए क्या किया गया 1986 में लाइसेंसिंग का प्रक्रिया जो होता है उसको उदारीकरण किया गया, यानी कि उसको सरल बनाया गया। उसके अलावा 100 करोड़ की सीमा 1986 में ही कर दी गई MRTP के तहत। उसके अलावा पहले सार्वजनिक और धीरे धीरे निजी की ओर ध्यान दिया गया, यानी कि इस प्रक्रिया पर जब शुरुआत हुई यानी कार्य करना शुरू किए तो सार्वजनिक के क्षेत्र के उद्योगों पर ध्यान दिया, उसके बाद सार्वजनिक से आगे बढ़ते गए और निजी की ओर भी इन लोग बढ़ते गए ताकि डेवलपमेंट पूरी अच्छी तरीके से हो पूरे देश में। अगला औद्योगिक नीति 1991, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, औद्योगिक नीति 1991, इसमें बहुत से सवाल पूछे जा सकते हैं कहीं से भी। तो सबसे पहला तो यही है कि 24 जुलाई 1991 को यह लागू हुई थी, उस समय के PM थे PV नरसिम्हा राव, जबकि वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। इसमें LPG पर जोर दिया गया, LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हिंदी में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। इसमें जो प्रक्रिया अपनाई गई थी वह थी लाइसेंसी का उदारीकरण, उसके अलावा निजीकरण पर ज़्यादा बल, यानी कि जितने भी
उद्योग है उनको निजी हाथों में सौंपना ताकि उसका संचालन बहुत ही अच्छे तरीके से हो। हम देख भी सकते हैं कि निजी उद्योग बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं जबकि गवर्नमेंट है वो ठप हो जाते हैं बहुत जल्दी, यानी उनका संचालन बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। उसके अलावा आयात निर्यात के लिए व्यवस्था को खुली कर देना, खुली बाजार की व्यवस्था बनाना, यानी कि आप देश के बाहर कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, इस सब को बढ़ावा दिया गया। अब देख लेते हैं कि उदारीकरण क्या होता है। तो दोस्तों उदारीकरण मतलब सरकार द्वारा जितने भी भौतिक नियंत्रण लगाए जाते हैं उनको जो है अर्थव्यवस्था से मुक्त कर दिया, यानी कि टैक्सेस वगैरह हो गए या विभिन्न प्रकार के जो इतने भी नियम व शर्तें जो सामान पे उत्पादन पे या फिर आयात निर्यात पे लागू की जाती थी उनको या तो ख़त्म कर दिया गया या तो शिथिल कर दिया गया। यही प्रक्रिया कहलाती थी उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन। उसके अलावा है निजीकरण। निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, इसी को प्राइवेटाइजेशन के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। प्राइवेट निजीकरण कहने का मतलब क्या है, जितने भी सरकारी उपक्रम हैं उनको जो है निजी हाथों में शेयर को बिक्री कर देना, यानी कि अगर 50% से अधिक शेयर की बिक्री 51% तक की शेयर अगर निजी हाथों में दे दिया जाए तो वह जो कंपनी वह निजी हाथों में चली जाती है, बाकी जो है 49% सरकार अपने रखती है। इस प्रकार से यह प्रक्रिया जो होता है वह निजीकरण कहलाता है। इससे होगा क्या कि जितने भी सरकारी कंपनी हैं उसमें जो होते हैं कर्मचारी वगैरह वो सब अगर ठीक से काम नहीं कर पाते हैं या फिर यह कंपनी अगर ग्रोथ नहीं कर रही होती है तो निजी हाथों में जाने के बाद वह व्यक्ति अपना जो भी है अपने हिसाब से फिर उसको चलाएगा और उसका डेवलपमेंट बहुत ही जल्दी होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। उसके अलावा है पूंजी व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादि का पूरे विश्व में जो है फैलाना, यही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण मतलब तीसरा पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि पूरे वर्ल्ड की बात करता है। इसमें हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हमारे जो उत्पाद हैं, हम जो भी चीज़ें बनाते हैं उनको पूरे विश्व में उसको फैलाएं, क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा में भी बढ़ोतरी होगी और विदेशी मुद्रा जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जान होती है या कह सकते हैं दिल होती है। आगे देखते हैं तो इनका महत्व क्या हुआ। महत्व की बात अगर करते हैं दोस्तों तो इसमें लाइसेंसिंग प्रणाली को लगभग समाप्त कर दिया गया, कुछ ही उद्योग पे बचे थे, केवल 5 उद्योग की बात कर रहा है। 18 उद्योगों पे लाइसेंस था लेकिन धीरे धीरे कम करके इसको LPG कर 1991 के आते आते 5 उद्योग ही रह गए थे LPG की नीति अपनाने की वजह से। ये 5 उद्योग जो है हम देख लेते कौन कौन से थे। तो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, एरोस्पेस के रक्षा हो गया, रक्षा में अगर बात करते हैं तो बारूद वगैरह हो गया, प्रस्फोट वगैरह हो गया, यह सब। इसके अलावा अगला है खतरनाक रसायन, तंबाकू, सिगरेट, अन्य उत्पाद और मादक पदार्थ के उत्पादक, ये सब पे अभी भी लाइसेंसिंग प्रक्रिया जो है कड़ी है या इनके लिए ज़रूरत पड़ता है, बाकी सभी में उतना ज़रूरत नहीं पड़ता या शिथिलीकरण कर दिया गया है। उसके अलावा औद्योगिक अनारक्षण की बात करेंगे तो इसमें नाभिकीय अनुसंधान वाले उद्योग, नाभिकीय अनुसंधान करने वाले, उसके अलावा जो है नाभिकीय अनुसंधान, इसके तहत 2 उद्योग आते हैं, एक तो नाभिकीय अनुसंधान हो गया और एक हो गया रेल सेवा, ये दोनों। अगला जो है यह बात करता है कि MRTP एक्ट को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि जो 100 करोड़ तक का जो लिमिट रखा गया था उसको हटा दिया गया। विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये जो FDI लिखा हुआ यही है, इसका फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। मैं पहले ही बता चुका हूँ विदेशी निवेश बढ़ेगा तो हमारा देश जो है उन्नति करेगा आर्थिक रूप से। उसके अलावा चरणबद्ध उत्पादन की अनिवार्यता को खत्म कर देना, यह पॉइंट क्या बोलता है। चरणबद्ध उत्पादन यानी कि पहले क्या करते थे, जितनी भी गवर्नमेंट थी वह ये आदेश देते थी कि आपको पहले ये चीज़ बनाना है, उसके बाद दूसरा चीज़ बनाना है, उसके बाद तीसरा चीज़ बनाना है, यानी कि एक जो है सीक्वेंस रहता था, पहला काम करना है, दूसरा काम करना है, तीसरा काम करना है। उसको इन लोगों ने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो इससे हुआ ये कि कोई भी कंपनी अपनी मनपसंद चीज़ बना सकती थी, कोई दूसरी कंपनी कोई दूसरा चीज़ बना लेगी, इससे आसानी से जो है कार्यक्षमता में भी वृद्धि हुआ और उत्पादकता में भी वृद्धि हुआ। उसके अलावा जो है उद्योगों की अवस्थिति पर ध्यान दिया गया, यानी उद्योगों का जो स्थिति है, क्या उद्योग चलने लायक हैं या उद्योग को बंद कर दिया जाए, इस सब बातों पर ध्यान दिया गया।
उसके अलावा भारी उद्योगों का महत्व हम देख लेते हैं, जितने भी भारी उद्योग हैं उनका क्या क्या महत्व है। तो सबसे पहला बात है, यह तो अर्थव्यवस्था के आधारभूत संरचना के आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि उद्योग भारी उद्योग है या फिर कुछ और उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, इस प्रकार से। अगला, छोटे पैमाने के उद्योगों की समृद्धि का आधार होता है, यानी कि जितने भी बड़े उद्योग या भारी उद्योग हैं वह बाकी छोटे मोटे जितने भी हैं उन उद्योगों के लिए क्या होता है, पिता समान होता है, यानी उनको चलाने के लिए यह बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके अलावा उन्नत तकनीकी इसमें यूज़ होता है, इनका जो टेक्निकल होता है वो बहुत ही हाई होता है। उसके अलावा कुशलता और उत्पादकता इसमें बहुत ही हाई होता है, इसमें बहुत ही कुशल लोग कार्य करते हैं, मशीन वगैरह ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी किसमें, भारी उद्योगों में। उसके अलावा लागत कम होता है। अब ये लागत कम कैसे हो जाएगा, तो दोस्तों जितना बल्क में हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उतना कम ही लागत होगा। अगर मैं किसी भी चीज़ को 5 क्वांटिटी में बनाता हूँ, 5 नग बनाता हूँ, तो मुझे ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू उसको 5,000 जो है उत्पादन करूँ। इस प्रकार से ये इसमें लागत कम होता है, क्योंकि भारी उद्योग है, बड़ा उद्योग है, तो ज़्यादा बल्क मात्रा में प्रोड्यूस करेगा। अगला है, छोटे पैमाने के उद्योग की अगर बात करते हैं, तो जितने भी छोटे पैमाने के उद्योग हैं उनमें जो है रोजगार संख्या बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ मशीन वगैरह बहुत ही कम यूज़ होता है, इस प्रकार से वहाँ मानव पूंजी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ मानव पूंजी ज़्यादा होगी वहाँ रोजगार लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलने लगेगा। उसके अलावा यह संतुलित समृद्धि और समता को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है, देखिए जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा ही पैसों का वितरण होगा, और सभी के सभी लोगों के पास काम होगा, सभी लोग जो है गरीबी से ऊपर उठेंगे, और यही तो समृद्धि का परिचायक है, हम सब जानते हैं, और लोगों में ऑटोमेटिक ही समता का भाव आने लगेगा, यानी कि सभी काम कर रहे हैं, सभी समान अपने आप को समझेंगे, किसी भी ऊंच नीच का जो है भेदभाव नहीं होगा। जबकि बड़े पैमाने में क्या होता है, कोई बड़े पद पे है, कोई छोटे पद पे है, तो इनमें अपने आप में एक हीन भावना आती है छोटे लोगों में कि हम छोटे पद में हैं और वो बड़े हैं, इस टाइप के इसमें यह प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके अलावा आर्थिक विकास की वृद्धि में भी यह सहायक होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि हमारा देश जो है इसमें भारी उद्योग जो है कम संख्या में है, जबकि लघु उद्योग यानी कि वही कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, यह सब हो गए छोटे पैमाने के उद्योग, बहुत ही ज़्यादा संख्या में है, इसीलिए इनका आर्थिक विकास में बहुत ज़्यादा योगदान रहता है भारी उद्योग के मुकाबले। उसके अलावा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की स्थापना की गई 1995 में। ये एक्चुअल में ये था कि 2000 में जब औद्योगिक विकास विभाग जो था पहले, उसका औद्योगिक विकास विभाग जो था उसका नाम बदल दिया गया और ये कर दिया गया औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, जिसको MSME के नाम से हम लोग जानते हैं इंग्लिश में। इसके क्या कार्य हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र में जो भी कार्य होते हैं उसको प्रोत्साहन देता है, उद्योगों के विकास संतुलित विकास को सरल बनाता है, यानी कि उद्योगों के विकास में सहायता करता है, उनको किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत होती है, चाहे टेक्निकल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे कुछ भी हो। उसके अलावा औद्योगिक उत्पादकता सूचकांक क्या होता है, जिसको IIP के नाम से जाना जाता है, IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यह भारत की स्थिति को दर्शाता है, कहाँ दर्शाता है, विश्व में भारत की क्या स्थिति है उद्योगों के जो है क्षेत्र में, यानी कि उद्योगों की दृष्टि से विश्व में क्या स्थान है भारत का, यह IIP से दर्शाया जाता है। CSO इसके लिए आंकड़े इकट्ठा करता है, जैसे केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान कहा जाता है। उसके अलावा औद्योगिक प्रदर्शन और विकास के लिए भी यह बहुत ही काम आता है IIP। नेक्स्ट है, कोर इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं। दोस्तों मैंने पहले बता दिया है भारत में आधारभूत उद्योग जो हैं 8 हैं, टोटल 8 हैं, वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो पहला है कोला, दूसरा है कच्चा तेल, तीसरा है पेट्रोलियम परिशोधन उत्पाद, चौथा है प्राकृतिक गैस, पांचवा है उर्वरक, छठवां है सीमेंट, सातवां है इस्पात, आठवां है विद्युत। उसके अलावा दोस्तों कुछ तथ्य हैं जो इस कोर इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, या ये बोल सकते हैं कि भारत में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में कुछ तथ्य हैं। वर्तमान आधार वर्ष यानी इनकी जो है गणना करने के लिए आधार वर्ष को 2011-12 रखा गया है, जो पूर्व में कितना था 2004-05 था। तो इसमें देख लेते हैं कि किसका जो है कितना हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी के हिसाब में अगर बात करते हैं 2011-12 के आधार वर्ष अगर ले, तो इन 8 सेक्टर्स का यानी कि जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उनका टोटल था 40.31% भारांश, यानी कि हिस्सा भारतीय आर्थिक
जो है विकास उसमें। उसके अलावा इसमें यह क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा किसका था, तो पूछेगा अगर तो रिफाइनरी का सबसे ज़्यादा था और सबसे कम उर्वरक का था। जबकि 2004-05 का अगर देखते हैं, हालांकि यह इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी 2004-05 के आधार पर अगर पूछे तो संयुक्त भारांश था 38%। संयुक्त भारांश कहने का मतलब आठों को अगर मिला दें तो उन लोग का भारांश। उसके अलावा सर्वाधिक इसमें विद्युत था जबकि उसमें रिफाइनरी था, सबसे कम इसमें उर्वरक है और उसमें भी उर्वरक था 2011-12 के जो है योगदान में। उसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की बात कर लेते हैं जिन्हें PSUs के नाम से जानते हैं। PSUs यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट, जैसे NTPC हो गया, HPCL हो गया, ये सब सेल हो गए, ये सब PSUs हैं। PSU कहने का मतलब क्या है? भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट जो होती है वो इनका संचालन करती है, नियंत्रण करती है, नियमन करती है, यानी इसका संचालन भारत सरकार के हाथों में होता है। जो भी कार्य होने हैं, जो कार्य करने हैं, जितना भी इन्वेस्टमेंट करना है, जितना भी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके लिए नियम का निर्धारण करना, सब गवर्नमेंट करती है, उसका जो गवर्निंग बॉडी होती है वो करती है। उसके अलावा राज्य, केंद्र या दोनों में से किसी का भी हिस्सा कम ज़्यादा हो सकता है। इसमें कोई ये फिक्स नहीं होता कि राज्य का हिस्सा इतना होगा, केंद्र का हिस्सा इतना होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है राज्य सरकार का हिस्सा ज़्यादा हो या किसी किसी में हो सकता है केंद्र सरकार का हिस्सा ज़्यादा हो। अगला अगला देख लेते हैं PSUs के टाइप्स। PSU जो हैं 3 प्रकार के हो सकते हैं, तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है जिसे PSEs बोला जाता है। पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, अगला है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जो सेंट्रल बेसिस पे है या CPSEs के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को PSBs यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय सार्वजनिक के अंतर्गत सॉरी और भी क्षेत्र आते हैं जिसको सामरिक क्षेत्र और गणतांत्रिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो सामरिक क्षेत्र में अगर देखें तो हथियार, गोला, बारूद के अलावा परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन आता है। ये तीनों आते हैं, हथियार, गोला, परमाणु और रेल। उसके अलावा गैर-राजनीतिक में इन तीनों के अलावा जितने भी बच गए वो उसको गैर-राजनीतिक में आते हैं। ये किस में आ गया? केंद्रीय सार्वजनिक CPES के अंतर्गत आते हैं, ये CPES के अंतर्गत। नेक्स्ट MSME की बात करते हैं, तो MSME लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग के लिए प्रयोग किया जाता है। MSME के तहत सर्वाधिक रोजगार मिलता है। इसमें कुछ आंकड़े दिया हुआ है एक्चुअल में, आंकड़ों से जो है क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको भी ध्यान रखने के लिए यह आंकड़ा मैं यहाँ दे रहा हूँ। सक्रिय इकाई की संख्या है 51 मिलियन MSME के तहत। उसके अलावा MSME के तहत मिलने वाले रोजगार हैं 111 मिलियन। उसके अलावा उत्पाद विनिर्माण हिस्सा जो है 6,000 के लगभग है। उसके अलावा कुल विनिर्माण जो है परसेंटेज में इस पे है 33%। उसके अलावा कुल निर्यात है 45%। औद्योगिक GVA में इसका हिस्सा है 33%, जबकि स्थिर मूल्य पे औद्योगिक GDP में हिस्सा है 31%। नेक्स्ट है दोस्तों उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योग जो है सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग में डिवाइड किया जाता है। तो सूक्ष्म उद्योग क्या है? सूक्ष्म उद्योग उसे बोला जाता है जिनमें अगर विनिर्माण की बात करें तो 25 लाख तक की निवेश की क्षमता होनी चाहिए। सेवा उपक्रम की बात करें तो 10 लाख तक की होनी चाहिए। उसी प्रकार लघु उद्योग में 25 लाख से 10 करोड़ अगर विनिर्माण की क्षमता है तो वह लघु उद्योग कहलाएगा, जबकि 10 लाख से 2 करोड़ का है उसका तो वह सेवा के क्षेत्र में होगा। सेवा के क्षेत्र में 10 लाख से 2 करोड़ तक की उसकी जो है क्षमता होनी चाहिए निवेश करने की। नेक्स्ट है मध्यम उद्योग की अगर बात करते हैं तो विनिर्माण के क्षेत्र में 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की निवेश क्षमता होनी चाहिए, जबकि सेवा क्षेत्र में 2 करोड़ से 5 करोड़ यह लिमिट रखी गई है MSME के तहत। उसके अलावा दोस्तों कंपनीज़ को जो है डेवलप करने के लिए खुद से वो डेवलप करें और आगे बढ़ें और विश्व आर्थिक मंच पे अपना एक भागीदारी सुनिश्चित करें और भारत के आर्थिक विकास में अपना बहुत ही उच्च स्थान रखें, इसलिए जो है यह प्रयोग किया गया कि महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न में जो है कंपनीज़ को डिवाइड किया गया। तो देख लेते हैं महारत्न कंपनीज कैसे बनते हैं। तो बड़े बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को अपने क्षेत्र का विस्तार करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया है। उसके अलावा बड़ी कंपनी के रूप में विश्व में उभरने के लिए प्रयास करें ऐसा कहा गया है महारत्न कंपनीज़ के लिए। उसके अलावा कौन बन सकता है महारत्न कंपनी, तो देख लेते हैं जिसके पास पहले से नवरत्न का दर्जा होना चाहिए, शेयर बाज़ार में उनकी सूचीबद्ध होना चाहिए। उसके अलावा पिछले 3 वर्षों में उसकी औसत आय 25,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए
और तीसरी बात है औसत सालाना, पिछले 3 वर्षों में औसत सालाना शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ तक की होनी चाहिए या उससे ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट है पिछले 30 वर्षों में सालाना शुद्ध लाभ की अगर बात करें तो 5,000 करोड़ तक का होना चाहिए। उसके अलावा वैश्विक क्षेत्र में इसकी उपस्थिति होनी चाहिए, यानी विदेशों में भी होनी चाहिए, एमएनसी टाइप के। उसके अलावा इससे क्या लाभ होगा, तो वह जो है कंपनी अपनी किसी भी परियोजना पर प्रोजेक्ट पर 15% तक की निवेश कर सकती है बिना सरकार के अनुमति लिए, जबकि दूसरी कंपनीज को उसके लिए गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है यह राशि 5,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती, 15% तक तो खर्च कर सकती है लेकिन यह राशि 5,000 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकती। उसके अलावा भारत में अगर बात करते हैं तो 8 महारत्न कंपनियाँ, उनके नाम क्या हैं, भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, इसके बहुत से ब्रांचेस हैं, जैसे भोपाल में भी एक भेल है। CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड, ACCL इसी के अंतर्गत आता है, जो ACCL हमारे बिलासपुर में है, बिलासपुर में जिसका मुख्यालय है और विश्रामपुर में है, यह जो है इसी CIL कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आता है। उसके अलावा गेल का पूरा रूप है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल। उसके अलावा है IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बोला जाता है IOCL। उसके अलावा है NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। याद रखिएगा BPCL जो है नया जुड़ा है इसमें, इससे पहले टोटल 7 महारत्न थे लेकिन अब क्या हो गया, BPCL जुड़ने के बाद 8 हो चुका है, इसको ध्यान रखना है। नया कौन जुड़ा है, तो BPCL जुड़ा है। नेक्स्ट नवरत्न कंपनी की बात करते हैं, तो भारत में टोटल नवरत्न कंपनियां कितनी है, संख्या है इनकी 16। उसके बाद इनके पास क्या होना चाहिए, तो मिनी रत्न 1 और 2 की दर्जा प्राप्त होना चाहिए। उसके अलावा MOU में इसको आना चाहिए, MOU कहने का मतलब क्या है, मेमोरेंडम ऑफ MOU, 3 से 5 वर्षों तक के इनका MOU होना चाहिए। उसके अलावा जो है लाभ कुल 15% तक के निवेश करने कर सकते हैं ये, अगर कोई कंपनी जो है नवरत्न में है तो वो खुद 15% तक के अपनी परियोजना पर निवेश कर सकता है, उसमें लिमिट दिया हुआ है 1,000 करोड़ तक की। नेक्स्ट है टोटल 16 नवरत्न कंपनियां, जिसमें से कुछ के बारे में हम देख लेते हैं, कौन कौन से कंपनियां, नाम देख लेते हैं उनके। BEL इसको भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बोलते हैं, EIL इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड HPCL यानी हिंदुस्तान पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आइल यानी आइल इंडिया लिमिटेड, और RINL मतलब ये विशाखापट्टनम जग में है, R यानी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, स्टील कंपनी है RINL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इसको बोला जाता है। उसके अलावा दोस्तों एक और है विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज बोला जाता है, इसकी घोषणा हुई थी 2000 में। उसके अलावा EPZ जितने भी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जिसे निर्यात संवर्धन क्षेत्र के लिए डिवाइड किया गया था, उन्हीं का नाम बदल दिया गया 2000 में, सेज कर दिया गया। इसका प्रमुख कार्य क्या है, घरेलू विदेशी स्रोतों के निवेश को बढ़ावा देना, वस्तु सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, यानी कि हम जितना ज़्यादा निर्यात करेंगे उतना ज़्यादा विदेशी मुद्रा हम गेन करेंगे। उसके अलावा है रोजगार के अवसरों का भी विकास करना, इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है सेज निर्माण करने का। उसके अलावा बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, जितने भी जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसके आसपास जो भी गांव वगैरह कुछ भी होगा उनका जो है डेवलपमेंट करना, जितने भी बुनियादी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, पानी हो गया, आवास हो गया, इन सबकी सुविधाओं का विकास करना इसका लक्ष्य था सेज का। उसके अलावा अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का भी सृजन करना, ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके और आर्थिक रूप से वो भी समृद्ध बन सकें। तो ये हो गया सेज के प्रमुख कार्य, सेज क्या होता है। उसके अलावा भारत की कुछ प्रमुख योजनाओं में बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत में उद्योगों को बढ़ाने के लिए औद्योगिक नीति अपनाई जाती है, उसके तहत विभिन्न योजनाएं भी सरकार द्वारा समय समय पर चलाई जाती हैं, जिससे क्या हो हमारे भारत में उद्योग फले फूले बढ़ें, स्टार्टअप वगैरह जो हैं शुरू हों और विदेशों से भी हमें निवेश प्राप्त हो। इसके साथ साथ बड़े पूंजीपति वर्ग धनाढ्य लोग हैं भारत में, वो भी अपना निवेश करें और भारत को आर्थिक रूप से सुदृढ़ीकरण की स्थिति प्राप्त हो। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या प्रमुख योजनाएँ लाई थी। मेक इन इंडिया पहला लाया गया था, मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को लाया गया था,
इसी के तहत एक इन्वेस्ट इंडिया कार के जो है योजना लाई गई थी उसी 2014 में ही। अगला है स्टार्टअप इंडिया 2016 में लाया गया 16 जनवरी को, स्टैंडअप इंडिया 6 जनवरी 2016 को लाया गया, मुद्रा योजना जो है 8 अप्रैल 2015 को लाया गया। मुद्रा योजना के तहत दोस्तों 3 हिस्से में शिशु, किशोर और तरुण करके अलग अलग राशि दी जाती है या भी स्टार्टअप को दी जाती है, जिसमें शिशु, तरुण और किशोर करके जो है राशि दी जाती है। उसके अलावा एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको भी बढ़ावा देना। एफडीआई यह कोई योजना नहीं है, यह अलग से है, इसको ऐसे ही यहाँ ऐड कर दिया है ताकि याद रहे कि इस पर भी जो है भारत सरकार ज़्यादा जोर देती है एफडीआई बढ़ाने पे। अब बात कर लेते हैं भारत में सर्वाधिक एफडीआई करने वाले देश की। यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भारत में सर्वाधिक एफडीआई कौन करता है तो इसमें सीरीज दिया हुआ है, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे करके 6 देश प्रमुख देश हैं जिनके बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो पहला कौन है? मॉरिशस है, मॉरिशस पहला है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में एफडीआई वाला देश कौन है जो पहले स्थान पर है? तो मॉरिशस है। दूसरे में सिंगापुर, फिर नीदरलैंड, फिर जापान, फिर यूएसए, फिर यूके, यूनाइटेड किंगडम। उसके अलावा सर्वाधिक एफडीआई किस में आता है? तो दोस्तों सर्वाधिक एफडीआई हमारे देश में सेवा क्षेत्र में मिलता है, सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई मिलता है। उसके अलावा सबसे कम एफडीआई किस में मिलता है दोस्तों? तो यहाँ दिया हुआ है ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में सबसे कम एफडीआई हमें मिलता है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारे देश में, इंडिया में उद्योगों का विकास, उद्योग कैसे विकसित हुए, कौन कौन से ईयर में कौन कौन से उद्योग डेवलप हुए, इन सब पे हमने चर्चा कर ली। उसके अलावा कौन कौन से उद्योग होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, एमएसएमई का कार्य हो गया। उसके अलावा हमने मिनी रत्न, महारत्न भी जान लिया, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या फ़ायदा होता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। दोस्तों यह टॉपिक जो है सीएमओ में है, इसीलिए हमने इस पर चर्चा करी है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पूर्व। दोस्तों मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक के बटन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।